नए साल पर रूस की तरफ से यह अब तक का सबसे भीषण हमला है। देखिए कैसे रूसी फौज ने यूक्रेन के शहर में जमकर तबाही मचाई। ये यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर निप्रो की एक रिहायशी इमारत के खंडहर में तब्दील होने के बाद का मंजर है, जब रूसी मिसाइल के हमले में कई बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में अपनी रणनीति बदलने का जिक्र किया था, जिसका असर इस बड़ी तबाही की शक्ल में दिखाई पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि रूस ने शनिवार को एक साथ 33 मिसाइलें दागी, जिसके बाद निप्रो में हाहाकार मच गया। इस रूसी मिसाइल हमले में 29 लोगों की जान चली गई। चारों तरफ मिसाइल हमले के बाद मलबा ही मलबा दिखाई पड़ रहा है। दो देशों के बीच दुश्मनी का अंजाम यूक्रेन की जनता को उठाना पड़ रहा है। रूस ने निप्रो के अलावा दूसरे कई शहरों पर भी इसी तरह ताबड़तोड़ हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना कि उसने मिसाइल हमले किए, लेकिन निप्रो की रिहायशी इमारत का जिक्र नहीं किया। पुतिन ने जब से युद्ध की कमान नए कमांडर वालेरी गेरासिमोव को दी है, उसके बाद यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस एक बार फिर यूक्रेन जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। सवाल है कि आखिर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार होते क्या हैं और ये कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। दरअसल रूस के पास 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन क्षमता के 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी सामरिक परमाणु हथियार कहा जाता है। इन्हें बैटलफील्ड या फिर नॉन स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार के नाम से भी जाना जाता है। इनमें छोटे बम और मिसाइलें भी शामिल हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले दूसरे हथियारों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल जंग के मैदान में विशाल सेना को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ऑपरेट किया जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को छोटी दूरी से भी छोड़ा जा सकता है। इसमें छोटे परमाणु वॉरहेड्स लगे होते हैं। इन्हें लड़ाकू विमान से भी गिराया जा सकता है और टैंक से भी दागा जा सकता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो परमाणु ताकत से लैस हैं। इन देशों के पास ज्यादा ताकत और भारी तबाही मचाने वाले जहां स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तो हैं ही, साथ ही कम घातक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी हैं। नॉर्थ कोरिया, चीन, पाकिस्तान, भारत के अलावा इसराइल और सुपर पावर अमेरिका के पास इस तरह के कई हथियार हैं। लेकिन अमेरिका इस तरह के हथियारों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। लेकिन रूस के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की अच्छी खासी तादाद है। खासकर RDS-4 नाम का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रूस के पास बड़ी संख्या में है। हालांकि यूके और फ्रांस के पास नॉन स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात ये कि युद्ध जीतने के लिहाज से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेहद अहम माने जाते हैं।